Friends, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your SST geography book. The Earth, Our Habitat, Part 1, Textbook in Geography for Class 6th. Students, today we are going to read our 5th chapter, Major Domains of the Earth. As you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the Earth. जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि हमारा जो अर्थ है वो ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर कि लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके कारण हम यहाँ पर रह रहे हैं. कौन कौन से? लैंड, वाटर और एयर जो है वो हमारे अर्थ में प्रेजेंट है. द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स इन द एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट. जो अर्थ का सर्फेस है वो तीन कंपोनेंट से बना हुआ है. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. और जो अर्थ का सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पोर्शन है, उसको हम जहाँ हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं. द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड्स द अर्थ इट्स द एटमोसफियर. और जो अर्थ के चारों तरफ एक गैसियस लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमोसफियर बोलते हैं. वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड. जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसें मिलती हैं. वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर. और जो अर्थ का बहुत बड़ा भाग है जो किससे कवर्ड है? पानी से कवर्ड है. उस एरिया को क्या कहते हैं हम? हाइड्रोस्फेयर. The hydrosphere compresses water in all its form, that is ice, water and water vapor. अब जो hydrosphere है वो किन किन forms में है? Ice के रूप में, water के रूप में और water vapor के रूप में है. The biosphere is a narrow zone where we find land, water and air together. और बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहाँ पर ये तीनों चीजें हमें मिलती हैं. कौन कौन सी? लैंड, वाटर और एयर एक साथ मिलती है. कौन से स्फीयर में? बायोस्फीयर में. विच कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. जहाँ पर सभी तरीके से लाइफ पॉसिबल है. अब हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. इट कंप्रेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर्स ऑफ सॉइल एंड कंटेन न्यूट्रिशियस एलिमेंट विच सस्टेन्स ऑर्गेनिज्म. अब ये जो लिथोस्फीयर है ये क्या है? ये एक सॉलिड पोर्शन है किसका? अर्थ का, जिसके अंदर क्या चीजें हैं? रॉक्स हैं और रॉक्स हैं, क्रस्ट है और एक थिन लेयर ऑफ सॉइल. सॉइल कंटेनर मतलब सॉइल है जहां पर न्यूट्रिशंस एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं. देयर आर टू मेन डिविजन ऑफ द अर्थ सर्फेस इज अ लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स. और जो अर्थ है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है और जो सबसे बड़ा लैंड मास है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं. एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन. और जो बड़ी वाटर बॉडीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओशंस बोलते हैं. ऑल द ओशंस ऑफ द अर्थ आर कनेक्टेड विथ अनदर. जो ओशंस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे ओशन से कनेक्टेड होते हैं. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड फिगर 5.1. आर द लैंड मासेस कनेक्टेड विद देन वन अदर. और जो लैंड मासेस भी हैं आप अभी एक मैप में देखोगे वो भी एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है. द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. और जो सी वाटर का लेवल होता है वो सभी जगह सेम होता है. एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच आर टेकन एज जीरो. और जो लैंड का मेजरमेंट होता है वो किससे होता है? सी के लेवल से होता है. और वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है. ओके, सो लुक एट द मैप. ये देखिए, ये ब्लूइश जो है ये क्या है? वाटर बॉडीज हैं. और ये क्या है? हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं. ओके, अब कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. और ये जो ब्लू पोर्शन है ये क्या है? ओशन है. ये टॉप में है नॉर्थ में आर्कटिक ओशन और यहाँ नीचे आता है एंटार्कटिक. ये इंडियन ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है और ये बीच में क्या है? अटलांटिक ओशन है. ओके,
The highest mountain peak, Mount Everest, is 8848 meters above the sea level. जो highest mountain peak है वो कौन सी है? Mount Everest है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 है, जो कि सी लेवल से 8848 है उसकी हाइट. द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स अकॉर्डिंग टू मरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन, और जिसको कि मरीना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशन में, वहां से अगर इसकी लंबाई नापते हैं तो 11,022 मीटर है. कुड यू इमेजिन द सॉरी एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, और जो सबसे डीपेस्ट ओशन है वो कौन सा है? मरीना ट्रेंच है, जिसकी गहराई, जिसकी डेप्थ जो है वो 11,022 है. ओके, कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ द सी मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट. क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि जो समुद्र की गहराई है वो कितनी है? मतलब एक हाईएस्ट पॉइंट से आप देखो, ऊंचाई से लेके गहराई तक देखो तो कितनी गहराई है ना. सो नाउ कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स. These are separated by a large water bodies. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America and Australia and Antarctica. हमारे 7 continents हैं, major 7 continents हैं, जिनको कि अलग अलग water bodies, जिनके पास है अलग अलग water bodies हैं. कौन कौन से वो continents हैं? एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड 5.1. द नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब आपने पिछले मैप में देखा था कि इसमें सारे कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, और जो ज्यादा लैंड मास है वो किस तरफ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है. ये देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो यहाँ पर ज्यादातर लैंड मास है, और ये सदर्न है तो इसमें क्या है? वाटर बॉडीज है. एशिया, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और एशिया का मतलब जो एशिया है वो कितना है? 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द अर्थ. अर्थ का टोटल 1/3 एरिया में एशिया है. द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द कॉन्टिनेंट. और जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वो कहाँ से जाती है? इसी कॉन्टिनेंट से पास होती है. एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट. अब एशिया जो है वो यूरोप से सेपरेटेड है, किसके थ्रू? यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत के थ्रू, जो कि वेस्ट में उससे सेपरेट किया गया है. द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया. और एशिया और यूरोप के कंबाइंड लैंड मास को हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं. नाउ यूरोप, यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया. यूरोप जो है वो भी एशिया से छोटा है. द कॉन्टिनेंट लाइज इन द वेस्ट ऑफ एशिया. और जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पर है? एशिया के वेस्ट में है. द आर्कटिक सर्कल पास थ्रू इट. और ये कहाँ? आर्कटिक सर्कल जो है वो यहीं से पास होता है. इट्स बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन द थ्री साइड. ये तीन तरफ समुद्र से, वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेटेड इट. आप मैप में देखिए और इसको लोकेट कीजिए. देन थर्ड इज अफ्रीका. अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया. द इक्वेटर और 0° लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट. अब जो अफ्रीका है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, और यहाँ पर इक्वेटर और 0° लैटिट्यूड जो इमेजिनरी लाइन है वो यहाँ से इस कॉन्टिनेंट के बीच से होकर जाती है. द लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और जो अफ्रीका का बड़ा भाग है वो कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. लुक एट द फिगर 5.1. यू विल फाइंड दैट ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास. यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके पास से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है. वेट अ मिनट, ये देखिए, ये क्या है? अफ्रीका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके पास से पास हो रही है, इक्वेटर एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ये तीनों ही यहां से पास होती हैं अफ्रीका के पास से. द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट लोकेटेड इन अफ्रीका. अब जो सहारा डेजर्ट है वो विश्व का सबसे हॉट, बड़ा और हॉट डेजर्ट है, वो कहाँ पर है? अफ्रीका में ही है. द
द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज. अब जो ये कॉन्टिनेंट है वो चारों तरफ से ओशंस और सीज से घिरा हुआ है. लुक एट द वर्ल्ड मैप 5.1. यू विल नोटिस दैट वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका. अब आपने देखा होगा कि जो अफ्रीका का मैप में आप देखोगे तो उसमें देखोगे कि अफ्रीका के चारों तरफ ओशंस और सीज हैं और जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल वो यहीं से बहती है, अफ्रीका से ही बहती है. नोटिस वेयर द इक्वेटर द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड कैंसर पासेस इन द मैप ऑफ अफ्रीका. आपने ये भी देखा कि टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और यहाँ से अफ्रीका के मैप से होकर गुजरती है. नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. नॉर्थ अमेरिका जो है वो तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. इट इज लिंक्ड द साउथ अमेरिका बाय वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड. इट्स कॉल्ड इथिज्म ऑफ पनामा. और ये साउथ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका है जो, वो साउथ अमेरिका को एक नैरो लैंड से, मतलब पनामा की एक नहर निकलती है वहां से, इन दोनों को जोड़ती है. द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली द नदर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स. ये कॉन्टिनेंट जो है वो नदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स को कम्प्लीट करता है. थ्रू थ्री ओशन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट. और इसके चारों तरफ तीन ओशंस हैं. कैन यू नेम ऑफ दिस वंस ओशंस, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं उन ओशंस के. नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर्स विच टू ओशंस सराउंडेड इट ऑन ईस्ट एंड वेस्ट. द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. साउथ अमेरिका हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन. और साउथ अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है वो क्या है, अमेजोन है. और साउथ अमेरिका में सबसे लंबा माउंटेन रेंज है जिसका नाम क्या है, एंडीज पर्वत है, एंडीज माउंटेन है. और साउथ अमेरिका सदर्न हेमिस्फीयर्स में है और ये दो ओशन से घिरा हुआ है. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड लाइज इंटरनली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. इट सराउंड ऑन ऑल बाय साइड्स ओशन एंड सीज. इट इज कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट. अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और ये सदर्न हेमिस्फीयर्स में है और इसके चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है, समुद्र है और महासागर है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. देन एंटार्क्टिका कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर अ ह्यूज कॉन्टिनेंट. द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट एज द लोकेटेड इन द सदर्न पोल, सॉरी साउथ पोल रीजन. इट इज परमानेंटली कवर्ड विद अ थिक आइस शीट. देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स. मैनी कंट्रीज हैव अ रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिका. इंडिया इज ऑल्सो रिसर्च स्टेशन देयर. देयर आर नेम्ड बाय मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री. अब एंटार्क्टिका जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर्स में है और ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है. ये साउथ पोल में है, नीचे की तरफ है, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट. ये जो है वो साउथ पोल रीजन में आता है और ये कॉन्टिनेंट हमेशा किससे ढका रहता है, बर्फ की मोटी चादरों से ढका रहता है. यहाँ पर लोगों का सेटलमेंट जीवन नहीं है. यहाँ पर बहुत सी कंट्रीज के रिसर्च स्टेशंस बने हुए हैं एंटार्क्टिका में. इंडिया के दो स्टेशंस भी यहाँ पर बने हुए हैं, उनके नेम क्या है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री. सो स्टूडेंट, टुडे वी स्टॉप हियर. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड टेक केयर.